एकता एक्सप्रेस ट्रेन को रोहतक रेलवे स्टेशन से सांसद अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कोरोना काल में बंद थी, आज से दोबारा शुरू की गई। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि यह ट्रेन भिवानी से कालका सीधे जाएगी। पहले इसे हिमालय क्यूइन से पानीपत में जोड़ा जाता था। कोरोना काल में बहुत सी ट्रेन बंद थी, अब धीरे धीरे चलाई जा रही है। शांत हो जाए सभी। ट्रेन की शुरुआत की आज जो ये प्रोग्राम था रेलवे स्टेशन पर, एकता एक्सप्रेस जो कि भिवानी से कालका के लिए डेली रोजाना की ट्रेन है, कोविड की महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये ट्रेन बंद थी। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेलवे मंत्री अश्वनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब का, रेलवे अधिकारियों का सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके एफर्ट से आज इस ट्रेन को चलने की बात रखी गई और ये चलाई गई। क्योंकि बहुत सारी कोविड के बाद बहुत सारी, अभी भी सरकार मंत्रालय पूरा प्रयासरत है, फिर भी बहुत सारी ट्रेनें पूरे देश में ऐसी जो धीरे धीरे करके चल रही है। मैं रोहतक की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना सहयोग, पता लगते ही बिल्कुल स्टेशन खचाखच भरा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इस बात का स्वागत किया है।